जब से दुनिया बनी है तब से हर कोने में सिर्फ एक ही जंग हुई, सही और गलत की, रोशनी और अंधेरे की। सलमान खान आखिर किस न्यू कमर का करियर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और सलमान खान ने अब तक किन किन एक्टर्स को किया है लॉन्च और कैसी रही उनकी बॉलीवुड में जर्नी। बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान स्टार फिल्म अंतिम से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स के बारे में। सुपरस्टार सलमान खान की अपकमिंग फिल्म अंतिम का टीजर वीडियो हाल ही में रिलीज किया गया है। टीजर में सलमान खान और उनके जीजा आयुष शर्मा को जगह दी गई है। फिल्म के दमदार टाइटल स्कोर के साथ ही आयुष शर्मा और सलमान खान को मस्कुलर अंदाज में दिखाया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या फैंस इस बार आयुष शर्मा को इस मस्कुलर अंदाज में पसंद करेंगे या फिर एक बार उनकी हालत फिल्म लव यात्री जैसी होने वाली है। बता दें कि सलमान खान ने बहन अर्पिता खान के पति आयुष शर्मा को कुछ साल पहले फिल्म लव यात्री से लॉन्च किया था, लेकिन उनकी एक्टिंग में वो बात नजर नहीं आई जिसकी उम्मीद थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी और फिलहाल आयुष के पास कोई और फिल्म नहीं है। आयुष का करियर डूबता देख सलमान ने एक बार फिर उनके लिए फिल्म अंतिम से उनके करियर को बूस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सलमान खान का आयुष ही नहीं बल्कि कई स्टार्स का करियर बनाने में हाथ है। सलमान खान को बॉलीवुड में सबसे दरिया दिल माना जाता है। जो भी सलमान के पास मदद मांगने पहुंचता है वो उसे खाली हाथ नहीं भेजते हैं। इसी के चलते सलमान बॉलीवुड में स्ट्रगल करने वाले कई न्यू कमर्स के गॉडफादर भी बन गए हैं। सलमान अब तक कई एक्टर्स को इंडस्ट्री में लॉन्च कर चुके हैं। सलमान ने भले ही कई स्टार्स को लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन ज़्यादातर आज भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिन पर सलमान ने मेहरबानी तो कर दी, लेकिन दर्शकों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। बता दें कि सुपरस्टार सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी को सलमान खान ने ही लॉन्च किया है। अथिया शेट्टी ने सलमान खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म हीरो से डेब्यू किया था। बता दें कि सलमान खान और सुनील शेट्टी काफ़ी अच्छे और पुराने दोस्त हैं। सलमान खान अब इंडस्ट्री पर राज करते हैं, ऐसे में अथिया शेट्टी का करियर बनाने में सलमान ने पूरी जान लगा दी। हालांकि अथिया के हाथ अब तक कोई बड़ी फिल्म नहीं आई है और सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म हीरो में अथिया शेट्टी के ऑपोजिट थे आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली। सूरज को भी सलमान खान ने ही लॉन्च किया है। डेब्यू फिल्म के बाद से ही सूरज काफ़ी लाइमलाइट में आ गए थे, हालांकि इसके बाद कोई खास पहचान नहीं बना पाए। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या इस बार सलमान खान की फिल्म अंतिम हिट होगी और क्या आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।